वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो 5 में। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन्होंने स्टेसी पे मादा कार्ड अप्लाई कर दिया है और जिनका मादा कार्ड आ गया या आने वाला एरामेक्स में आ गया है और उनके पास SMS आ गया है कि आपका मादा कार्ड 1-2 दिन में आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं अप्लाई किया वो जा करके अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मेरी वीडियो में जा करके देख सकते हैं आप कि कैसे हम STCP पे मादा कार्ड अप्लाई करें। मादा कार्ड के बहुत से फायदे हैं STCP के, आपको कैशबैक मिलेगा, आप कहीं भी जाकर के STCP पे मादा कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि वीजा कार्ड से हर जगह आप शॉपिंग नहीं कर सकते थे। आप STCP से आप इंटरनेशनल या लोकल पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं और ATM किसी भी ATM मादा कार्ड है तो आप किसी भी ATM मशीन से आप जाकर के पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। वीजा कार्ड से आप पैसा नहीं विड्रॉल कर सकते थे, तो ये फायदा है इसका है। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ वीडियो में, अंत तक आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि आपको हमेशा जब भी आप अपना मादा कार्ड या STCP में या किसी भी बैंक में अप्लाई करें तो आपको अपना व्हाट्सअप नंबर ही देना है, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर जब आप देते हैं तो आपको वो कुरियर वाला जो बंदा होता है या कुरियर वाली जो कंपनी होती है उसको संपर्क करने में आसानी हो जाती, उससे आपको कोई मुश्किल नहीं होती। और नंबर 2, अगर आप मैसेज करेंगे तो उसको कोड नंबर देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सअप नंबर देंगे व्हाट्सअप पे आपका मैसेज करेगा तो आपको कोई कोड बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो कुरियर का आएगा, आपको उसका एकामा नंबर देना है और अपना पार्सल रिसीव कर लेना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखिए मेरा एरामेक्स से मादा कार्ड आ गया है। तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो आपको 1 महीने में या कुछ दिन में आपका मादा कार्ड आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम इसको ओपन करके देखते हैं। मैंने इसको पहले से, इसके जो किस है उसको मैंने पहले से कट दिया था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इसका मादा कार्ड इस तरह के पैकिंग में आएगा, अब ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मादा कार्ड इसका पैकिंग में आएगा। मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ कि उसने क्या कहा था, जो आप सबको जानना चाहिए, जो मैंने बात बताई थी कि आखिर में आपको बताऊँगा कि वो कौन सी बात है जो आपको बहुत ज़रूरी उसको ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा मादा कार्ड और ये नाम वगैरह लिखा होता है, जो नाम होगा यहाँ पर और आपका अकाउंट नंबर जो होगा। ठीक है, तो चलिए चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैंने हरा अप्लाई किया था, यानी हरा कलर में, मैंने नीला नहीं लिया था, मैंने ये कलर अप्लाई किया था। अब ये देख सकते हैं आप, ये मादा कार्ड वीजा और मादा कार्ड दोनों है। और ये आप इस साइड का भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका नाम होगा, नाम लिखा होगा और अंक भी यहाँ पर लिखे होंगे, यानी कि जितने, और इसके एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी और सिक्योरिटी कोड भी इसमें लिखा होता है, लेकिन मैंने ब्लर कर दिया है प्राइवेसी की वजह से, मैंने इसको ब्लर कर दिया है। जब आपका कार्ड आएगा तो आपको सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पर दिखेगा सिक्योरिटी कोड, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड लिखा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको इसको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये जब अप्लाई कर दें, तो आप जब इस कार्ड को अप्लाई कर देंगे, अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो बात ये है कि आपको जब आपके पास एरामेक्स वाला आएगा तो आपको उसको जो नाम होगा आपका, वही जो नाम आपके कार्ड पर होगा वही नाम उसको बताना है कि मेरा ये नाम है। ठीक है, अब क्योंकि अगर वो आपने दूसरा नाम बता दिया और अगर आपने एकामा नंबर एक भी, अगर आपका एकामा नंबर एक भी अगर गलत हो गया, एक नंबर गलत हो गया ना, क्योंकि वो अपडेट करता है, वो जब आपके पास कार्ड दे के जाता है फिर वो अपडेट करता है, और अपडेट करने में अगर आपका एक नंबर भी गलत होगा ना तो आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी बात, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ही देना है। ठीक है, आपको
छोटा मोबाइल जो आप चलाते हैं वो नंबर अगर आप देंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, फिर वो आपसे कोड मांगेगा। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दें, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मादा कार्ड है मेरा, ये आ गया है। ये तकरीबन मैं मुझे 1 महीना लग गया, मैंने जब अप्लाई किया था 1 महीना मुझे लग गया था, उसके बाद ये आया है, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।